भोपाल की मनुआभान टेकरी पर 8 महीने पहले 12 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद पत्थरों से कुचलकर हत्या के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठे। घटनास्थल रोशनपुरा चौराहे पर स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे हैवानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, दुष्टता का बर्ताव करने वाले इन लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है। भोपाल की मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धरना दिया। उन्होंने कहा, आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी की शिकार होती रहेंगी। कोर्ट से भी निवेदन है कि दुष्कर्म के मामलों में तत्वरित एवं कठोर सजा दी जाए। इस दौरान पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा कि मैं 8 महीने से न्याय के लिए भटक रही हूं। मुझे कब न्याय मिलेगा कुछ पता नहीं है। डीएनए रिपोर्ट के लिए क्या 8 महीने कम नहीं होते हैं। मेरी बेटी के साथ दिन के उजाले में दरिंदों ने दुष्कर्म किया। कितनी हिम्मत होती है उन दरिंदों में जो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक माँ 8 महीने से दर दर भटक रही है, सिर्फ एक मांग कर रही है, मेरी बेटी को न्याय दो। आखिर कहाँ जाए ये माँ। ऐसा क्रूर काम करने वाले नरपिशाच हैं। हमें अब एक ही बात करनी है कि बेटी के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, इससे कम कुछ नहीं। आखिर क्या कारण है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं लिया गया। क्या ये हत्यारों को बचाने की साजिश नहीं है। हमारी मांग है हत्यारों को फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाओ, डीएनए रिपोर्ट जल्द मंगवाओ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, डीएनए रिपोर्ट जल्दी आए और अपराधियों को मौत की सजा मिले, जल्दी न्याय मिले, इसी को लेकर ज्ञापन देंगे। मांग पूरी हो जाती, न्याय मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होगा तो हम अगले कदम उठाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा, मैं कहना चाहूंगा माननीय कोर्ट से अगर बलात्कारी को जल्द सजा नहीं मिलेगी तो जनता हैदराबाद में हुए